गुजरात चुनाव में बीजेपी के सारे दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को जहां 4 रैलियां की, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मेहसाणा और अरावली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। अमित शाह ने दावा यह किया कि इस बार भी गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। विपक्ष पर भी वो लगातार निशाना साध रहे हैं। 5वीं तारीख हमारे सौए मतदान करवानु छे। मतदान करती वक्त तमारो एक मत ये आवनारा 5 वर्ष सुधी समग्र गुजरात अने समग्र भारत ना भविष्य नो निर्णय करवानो मत थवानो छे। एटले मारे तमारी सौने विनंती छे कि एक मत आपती वक्त एवुं ना विचारता कि आ मत थी सरदार सिंह भाई धारासभ्य बनसे, भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री बनसे, ये तो बनवाना छे। अब कांग्रेस पार्टी ज्यारथी बाबरे मंदिर तोड़ू त्यारथी आजाद थी त्यारथी कांग्रेस पार्टी आ मुद्दा ने लटकाय लटकाय नरेंद्र भाई एक दिवस सवाना पोरमा एनु भूमि पूजन करो अने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनावानी शुरुआत 2014 માં હું પાર્ટીનો રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હતો। એ વખતે આ રાહુલ બાબા કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ રોજ સવારે મને ટોણો મારતા કે મંદિર અહીં બનાવેંગે, તિથિ નહીં બતાવી, તારીખ નહીં બતાવી। ભિલોડાવાળા તમારી હાજરીમાં તારીખ કહીને જઉં છું, 1 જાન્યુઆરી 2024 ભિલોડા વાળાએ ટિકિટ કરાવી દે, ગગનચુંબી રામ મંદિર અયોધ્યામાં બનેલું તૈયાર।